हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी करेंगे और ये आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4th लेक्चर है। तो देखिए, आज का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट ऑप्शन दिया है मटेरियल, सेकंड ऑप्शन दिया है लेंथ, थर्ड ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पे पूछा गया है कि वायर की रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे यह पता चलता है कि मटेरियल अपने में से फ्लो होने वाला करंट कितना अपोज कर रहा है। अगर मटेरियल कंडक्टर टाइप का हो तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, और अगर मटेरियल इंसुलेटर टाइप का हो तो रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा होती है। तो सब कुछ डिपेंड करता है मटेरियल के टाइप के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। और अब आज का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर इन 1 मिनट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 10, सेकंड ऑप्शन दिया है 60, थर्ड ऑप्शन दिया है 600, फोर्थ ऑप्शन दिया है 1200। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि अगर सर्किट में 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है इन 1 मिनट। तो इसको समझना काफी आसान है। इसके लिए आपको 1 एम्पीयर का रिलेशन पता होना चाहिए। 1 एम्पीयर का करंट फ्लो होना यानी ही 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो होना। क्या कहा, फिर से सुनो, 1 एम्पीयर का करंट फ्लो होना यानी ही 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो होना। तो ऐसे में अगर 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो वो हो जाएगा 10 कूलम चार्ज पर सेकंड। पर सेकंड माने एक सेकंड के पीछे 10 कूलम चार्ज। तो अगर हमें 1 मिनट के लिए निकालना है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड के लिए निकालना है, तो 10 × 60 तो वो हो जाएगा 600 कूलम चार्ज। तो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगर सर्किट में 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब 600 कूलम चार्ज इन 1 मिनट फ्लो हो रहे। और अब आज का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है अ कैपेसिटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 0.1C एट 5 वोल्ट, इट्स कैपेसिटेंस इज, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 0.02F, सेकंड ऑप्शन दिया है 0.5F, थर्ड ऑप्शन दिया है 0.05F, फोर्थ ऑप्शन दिया है 0.2F। तो यहां पे कैपेसिटर का चार्ज दिया है, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज भी दिया है, और उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हम ये यूज करेंगे, दैट इज सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी। क्यू माने चार्ज ऑफ कैपेसिटर एंड वी माने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो चार्ज दिया है 0.1 और वोल्टेज दिया है 5, तो ये हो जाएगा 0.02F, F माने फैरेड। तो फाइनली ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर 1 0.02 फैरेड इसका करेक्ट आंसर है। और अब आज का फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है 1F इज थ्योरेटिकली इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, सेकंड ऑप्शन दिया है रेशियो ऑफ 1V टू 1C, थर्ड ऑप्शन दिया है रेशियो ऑफ 1C टू 1V, फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में लिखा है 1F इट मींस 1 फैरेड, और पूछा है कि 1 फैरेड थ्योरेटिकली इक्वल टू क्या है। तो इसके लिए हमें फिर से कैपेसिटेंस का वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा जो इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपको बताए थे। कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने क्या बताए थे कि सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी। क्यू माने चार्ज ऑफ कैपेसिटर, वी माने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इसका मतलब यहां पे कैपेसिटेंस का ये अगर डेफिनेशन अगर हम कहेंगे तो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। क्या कहा, चार्ज बाय वोल्टेज, चार्ज बाय वोल्टेज। तो यहां पे जो चार ऑप्शन है, चार में से सेकंड और थर्ड ऑप्शन की तरफ ध्यान दो। सेकंड ऑप्शन में लिखा है रेशियो ऑफ 1V टू 1C, इसका मतलब वोल्टेज बाय चार्ज लिखा है, तो वोल्टेज बाय चार्ज तो हो नहीं सकता। तो थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में लिखा है रेशियो ऑफ 1C टू 1V, इसका मतलब यहां पे चार्ज बाय वोल्टेज जो है वो थर्ड ऑप्शन में लिखा है, और चार्ज कितना है 1C, इसका मतलब चार्ज 1 है, वोल्टेज है 1, और अगर हम वो पुट करेंगे तो देखते हैं 1 फैराड आता है कि नहीं। चलो यहां पुट करके देखते हैं, चार्ज हम रखेंगे 1, वोल्टेज हम रखेंगे 1, तो बिल्कुल ये जो है ये आ रहा है 1 फैराड। इसका मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है कि 1 फैराड थ्योरेटिकली इक्वल टू क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 1 फैराड इज द रेशियो ऑफ 1C टू 1V। और अब आज का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है नोडल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड फॉर, फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्लानर नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन दिया है नॉन प्लानर नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ प्लानर एंड नॉन प्लानर नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन दिया है नाइदर प्लानर एंड नॉन प्लानर नेटवर्क। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नोडल एनालिसिस कौन से नेटवर्क पे अप्लाई करते हैं, प्लानर नेटवर्क पे या नॉन प्लानर नेटवर्क पे। तो ऐसे में आपको प्लानर और नॉन प्लानर नेटवर्क की जानकारी होना चाहिए। प्लानर नेटवर्क क्या होता है, प्लानर नेटवर्क एक सिंपल नेटवर्क होता है जिसमें
जिसमें वायर का क्रॉसओवर नहीं होता है, और नॉन प्लानर नेटवर्क क्या होता है, जिसमें वायर का क्रॉसओवर होता है, जिसमें लूप भी क्रॉस करते हैं, ऐसे नेटवर्क को नॉन प्लानर नेटवर्क कहते हैं। और नोडल एनालिसिस की अगर बात करें तो नोडल एनालिसिस में हमेशा पर्टिकुलर नोड पे केसीएल अप्लाई करना होता है, और केसीएल अप्लाई करते समय वायर के क्रॉस होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब केसीएल यानी ही नोडल एनालिसिस आप प्लानर नेटवर्क में भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन प्लानर नेटवर्क में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, बोथ प्लानर एंड नॉन प्लानर नेटवर्क, नोडल एनालिसिस दोनों टाइप के नेटवर्क में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी कर लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। यह था आज का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने जितने क्वेश्चन लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।